हेलो फ्रेंड, दिस इज़ वेद और मैं हूँ आपका गाइड फॉर सेबी ग्रेड ए। तो आज का टॉपिक है फिलिप्स कर्व। आज हम फिलिप्स कर्व के बारे में बात करेंगे। चलिए, आपका ज़्यादा वक्त नहीं बर्बाद करते हुए ये लेसन शुरू करते हैं। पहले कुछ ब्रीफ हिस्ट्री हम इसके बारे में जान लेते हैं कुछ, या फिर ये डेवलप कैसे हुआ ये फिलिप्स कर्व। तो ए डब्ल्यू फिलिप्स करके एक इकोनॉमिस्ट थे, न्यूजीलैंड बॉर्न इकोनॉमिक्स थे। इन्होंने क्या किया, 1861 से 1957 यूनाइटेड किंगडम, उन्होंने यूनाइटेड किंगडम का इतने सालों का डेटा स्टडी किया। और स्टडी करने के बाद में 1958 में एक पेपर पब्लिश किया, ठीक है। उस पेपर का नाम था द रिलेशन बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी मनी वेजेस इन द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने इतने सालों का डेटा इकट्ठा करने के बाद कुछ वो कंक्लूजन पे पहुँचे। और वो कंक्लूजन क्या था, वो कंक्लूजन ये था कि देयर एग्जिस्टेड ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यानी कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों एक साथ नहीं हो सकते, या तो इन्फ्लेशन होगा या फिर अनएम्प्लॉयमेंट होना, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, इन दोनों के बीच में एक ट्रेड ऑफ होता है। तो उन्होंने कुछ इस तरह का ग्राफ बनाया, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि वाई एक्सिस पे परसेंटेज चेंज इन वेजेस है और एक्स एक्सिस पे अनएम्प्लॉयमेंट है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जब इन अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, और जब वेजेस कम हो जाते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। तो इन्होंने इस चीज़ को किस तरह से ऑब्जर्व किया, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि देयर इज़ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मनी वेजेस चेंजेस, मनी वेज जो चेंज हो रहा है और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके बीच में इनवर्स रिलेशन है, यानी कि एक अगर बढ़ता है तो दूसरा घटता है, ठीक है। फिर इस चीज़ को उन्होंने किस तरह से इंटरप्रेट किया, ये तो वैसे इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच का रिलेशन है ना, बट यहाँ तो उन्होंने वेजेस की बातें की थी। तो इन्होंने वेजेस को इन्फ्लेशन से किस तरह से रिलेट किया है, किस तरह से इंटरप्रेट किया है, वो अब हम देखते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि जब भी डिमांड बढ़ती है तो डिमांड बढ़ने के साथ क्या होता है, इन्फ्लेशन हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मार्केट में डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन होगा, और अगर इन्फ्लेशन होगा तो जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उनका प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर उनका प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर एम्प्लॉय करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर एम्प्लॉय करेंगे तभी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उनका प्रॉफिट और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो क्या करेंगे वो प्रोड्यूसर्स, वो लेबर मार्केट में जाएंगे और वहाँ से लेबर उठाएंगे, वो एक दूसरे से कम्पीट करेंगे, एक प्रोड्यूसर दूसरे प्रोड्यूसर से कम्पीट करेगा फॉर इम्प्लॉइंग द लेबर। अब जब वो कम्पीट करेंगे तो होगा क्या, जब वो एक दूसरे से लेबर के लिए कम्पीट करेंगे तो लेबर के प्राइसेस क्या होंगे, यानी कि वेजेस बढ़ जाएंगे, वेजेस जो है वो बढ़ जाएंगे इस वजह से, क्योंकि प्रोड्यूसर एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि वेजेस बढ़ने का रिलेशन इन्फ्लेशन से है, ठीक है। तो उन्होंने वाई एक्सिस पे इन्फ्लेशन वेजेस की जगह इन्फ्लेशन कर दिया, तो बात तो सेम ही रही ना। सो द इन्फ्लेशन करस्पॉन्ड टू द ग्रोथ इन वेजेस, ठीक है। तो उन्होंने जो ये रिलेशन दिया था डेटा इकट्ठा करने के बाद कि परसेंटेज चेंज इन वेजेस और अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इन दोनों का जो रिलेशन था उसको उन्होंने इस रिलेशन में बदल दिया। तो आप यहाँ देख सकते हो कि उन्होंने जो रिलेशन दिया उसमें इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में ट्रेड ऑफ है, यानी कि दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो ये है फिलिप्स कर्व। अब देखिए, उन्होंने तो 1958 में दिया था ये चीज़। अब जो सैमुअलसन है और रॉबर्ट सोलो, ये दो इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टडी किया यूएसए का डेटा फॉर 1960 से लेकर के 1970 तक का। इन्होंने 10 साल का डेटा स्टडी किया और स्टडी करने के बाद वो इस नतीजे पे पहुँचे कि फिलिप्स कर्व एक्चुअली होता है,
ये आप यहाँ देख सकते हो, उन्होंने जो स्टडी किया उससे ग्राफ बनाया। ग्राफ कैसे है, इस टाइप का कुछ है, बिल्कुल फिलिप्स कर्व की तरह ही है। तो उन्होंने ग्राफ 1960s का जो उन्होंने डेटा इकट्ठा किया उससे ये पाया कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है, फिलिप्स कर्व होता है। देन आगे क्या होता है, आगे क्या होता है कि जब ये स्टडी रॉबर्ट सोलो और सैम वोल्सन कर लेते हैं तो ये बात फैल जाती है कि भाई ये सारी ये फिलिप्स कर्व जो है वो सही चीज़ है, ये ऐसा होता है, ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो सारे इकोनॉमिस्ट ये चीज़ मानने लगे थे। ऑन द बेसिस ऑफ सच स्टडीज मेनी इकोनॉमिस्ट स्टार्टेड टू बिलीव दैट देयर एग्जिस्ट ए फिलिप्स कर्व। और इसी फिलिप्स कर्व का एक पॉलिसी इम्प्लीकेशन ये था कि गवर्नमेंट या तो इन्फ्लेशन को टारगेट कर सकती है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट को टारगेट कर सकती है। और सारे के सारे मतलब मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिस्ट यही चीज़ सजेस्ट करते थे गवर्नमेंट को कि या तो आप इन्फ्लेशन को टारगेट कर लो, या तो इन्फ्लेशन को टारगेट कर लो या फिर आप अनएम्प्लॉयमेंट को टारगेट कर लो, दोनों के एक साथ टारगेट आप नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के बीच में ट्रेड ऑफ है अकॉर्डिंग टू द फिलिप्स। देन होता क्या है कि 1971 के बाद से 1991 तक का जो एम्पिरिकल डेटा देखा जाता है, जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं, इकोनॉमिस्ट एक्सपीरियंस करते हैं, तो उससे ये पता चलता है कि जो 1970s है और 1980s है उसमें ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि हाई अनएम्प्लॉयमेंट था और साथ में हाई इन्फ्लेशन भी था, दोनों को एग्जिस्ट कर रहे थे। बट ये तो फिलिप्स ने तो कहा था कि भाई ऐसा हो नहीं सकता, दोनों को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, या तो इन्फ्लेशन हाई होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट लो होगा, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट लो होगा तो इन्फ्लेशन बिल्कुल कम होगा, इन्फ्लेशन बिल्कुल हाई होगा, तो दोनों को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। बट आप यहाँ देख सकते हो कि ये है 1970s का डेटा, तो आप यहाँ देख सकते हो ये 1980s का डेटा है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत ज़्यादा हाई है और इन्फ्लेशन रेट भी बहुत ज़्यादा ही है। ये 1970s का आप डेटा ये देख लो, ये तो यहाँ अब यहाँ देख सकते हो कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल फिलिप्स की जो थ्योरी थी उसके बिल्कुल अगेंस्ट जा रही थी। तो लोगों जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने फिलिप्स की ये जो थ्योरी है इसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया कि भाई ऐसी चीज़ होती नहीं है, ये तो गलत चीज़ है। तो उस समय क्या था, जो सेड 1970 से 1991 तक स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन थी। स्टैगफ्लेशन वो होता है जबकि इन्फ्लेशन, ये आप देख सकते हो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट ये दोनों हाई है, तो इन अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन थी। और फिलिप्स ने क्या प्रेडिक्ट किया था, फिलिप्स ने ये प्रेडिक्ट किया था कि इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, बट ऐसा हुआ नहीं था ना। तो उसके बाद मिल्टन फ्रीडमैन करके एक इकोनॉमिस्ट आए, उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। ठीक है, उन्होंने एक रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस या कह लीजिए एक थ्योरी दी, उससे इन्होंने ये जस्टिफाई किया कि ये जो फिलिप्स कर्व है वो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है, स्टेबल बिल्कुल भी नहीं है ये, और ये इसी वजह से स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन आई है। ठीक है, अब हम इसके बारे में जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये फिलिप्स कर्व क्या है, लॉन्ग टर्म फिलिप्स क्या है। मिल्टन फ्रीडमैन जो थे, जो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कहा कि लॉन्ग रन में कोई भी ट्रेड ऑफ नहीं होता इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। ठीक है, जैसे कि फिलिप्स ने बताया था कि ट्रेड ऑफ होता है, आप यहाँ देख सकते हो इस ग्राफ में कि यहाँ इन्फ्लेशन एक ही एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। ठीक है, कोई ट्रेड ऑफ नहीं है, दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि इकॉनमी इज़ स्टेबल, फ्रीडमैन ने कहा कि इकॉनमी इज़ स्टेबल एट लॉन्ग रन एट नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। उन्होंने कहा कि एक नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे इकॉनमी स्टेबल होती है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो फिगर में ये है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और यहाँ पे देख सकते हो कि आप इन्फ्लेशन जो है बढ़ते जा रहा है, तो ये चीज़ इकॉनमी स्टेबल है इस पॉइंट पे, इस नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ये है क्या, फ्रीडमैन ने कहा कि नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो है कि जब लेबर मार्केट में हमेशा, मतलब ये चीज़ हमेशा दिखती है इकॉनमी में कि
4 से लेके 5% तक के लोग, 4 से लेके 5% तक का जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बना ही रहता है, ठीक है। और यही होता है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और ये 4 से 5% का जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो बना क्यों रहता है, आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह उन्होंने बताई फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल रीज़न, ठीक है। उन्होंने कहा कि फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल रीज़न है जिसकी वजह से ये 4 से 5% बना रहता है। उन्होंने कहा तो सपोज कि कोई अभी नया फ्रेशर है, कॉलेज से निकला इंजीनियरिंग करके, तो इंजीनियरिंग करके तो निकलते ही तो उसको जॉब नहीं मिल जाती ना, कुछ समय के लिए तो अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, ठीक है। तो एक वो हो गया स्ट्रक्चरल रीज़न। फ्रिक्शनल रीज़न मान लीजिए कि जब इकोनॉमिक ट्रेडिशनल से पेपर से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कंप्यूटर आता नहीं होगा, तो वो लोग तो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, तो वो हो गया फ्रिक्शन रीज़न। फिर तीसरा रीज़न आप ये देख सकते हो कि अगर मान लीजिए कि किसी चीज़ की डिमांड बढ़ गई, ठीक है, तो प्रोड्यूसर जो है, मैन्युफैक्चरर हैं, वो नए लोगों को हायर करेंगे। तो जब वो हायर करेंगे तो हायर करते ही तो सीधे प्रोड्यूस नहीं करेंगे, उनको कुछ ट्रेनिंग वगैरह देंगे ना, तो जब तक ट्रेनिंग देंगे तब तक तो अनएम्प्लॉयड ही रहेंगे। तो इस तरह के कुछ रीज़न होते हैं जिसकी वजह से 4 से लेके 5% तक का अनएम्प्लॉयमेंट बना ही रहता है। उसको उन्होंने कहा कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, इस पॉइंट पे इकोनॉमी जो है स्टेबल रहती है। ही एक्सप्लेन दैट द शिफ्टिंग ऑफ द फिलिप्स कर्व बाई पुटिंग फॉरवर्ड रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस, थ्योरी ऑफ रेशनल एक्सपेक्टेशन उन्होंने दिया, और कहा कि इसकी क्या वजह है वो अब बता, अब वो उन्होंने एक्सप्लेन की, जिसमें उन्होंने कहा कि लोग जो हैं वो अपनी पुराने जो उन्होंने एक्सपेक्टेशन की थी किसी इन्फ्लेशन की, और जो उन्होंने अब देखा इन्फ्लेशन, उस बेसिस पे वो क्या करते हैं, अपना जो डिसीज़न है वो बदल देते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से ये जो फिलिप्स कर्व है वो लॉन्ग टर्म में ऐसे स्ट्रेट हो जाती है, वर्टिकल लाइन हो जाती है। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कैसे हो जाता है। सपोज कि गवर्नमेंट ने एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अपनाई, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अपनाई, तो होगा क्या, जब एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अगर गवर्नमेंट अपनाएगी तो ज़्यादा पैसे खर्च करेगी, ज़्यादा पैसे खर्च करेगी तो लोगों के जेब में ज़्यादा पैसे आएंगे, ज़्यादा पैसे आएंगे तो क्या होगा, लोगों की गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, अगर गुड्स की डिमांड बढ़ी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन हाई हो जाएगा। इन्फ्लेशन हाई हो गया तो इन्फ्लेशन हाई होने से क्या होगा, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो अगर मैन्युफैक्चरर्स का प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो क्या करेंगे, वो चाहेंगे कि हमारा और प्रॉफिट हो, तो वो क्या करेंगे, लेबर की डिमांड बढ़ जाएगी। जब लेबर की डिमांड बढ़ जाएगी तो क्या होगा, वेज रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हो कि पहले इस पॉइंट पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी नेचुरल रेट पे, ठीक है। फिर होता क्या है कि फिर होता है कि गवर्नमेंट फिस्कल एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अपनाती है, इन्फ्लेशन बढ़ के हो जाता है 5 से 7% यहाँ पे, ठीक है, 5 से 7% हो जाता है। अब इस पॉइंट पे होता क्या है, वेज रेट होता क्या है कि डिमांड ऑफ लेबर बनने के बाद वेज रेट इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब ये होता है कि वेज रेट इंक्रीज होने के बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट जाती है, ठीक है। बट अब यहाँ ये देखिए कि इन्फ्लेशन आने के बाद जो पहले लोगों, जो लेबर से उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि भाई इन्फ्लेशन तो 5% रहने वाला है, बट इन्फ्लेशन हो गया 7%, ठीक है, इन्फ्लेशन हो गया 7%, तो उनकी एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा हो गया। तो अगर इन्फ्लेशन आई होगा तो उनको जो अभी मजदूरी मिल रही है वो तो कम हो गई ना, उसकी वैल्यू तो कम हो गई ना, तो वो क्या कहेंगे, वो करेंगे कि हम भाई हमें ज़्यादा और पैसे दो, हमारी लिए मजदूरी बढ़ाओ, ठीक है, वेज रेट इंक्रीज होगा, ठीक है। तो जब वेज रेट इंक्रीज होगा तो वो इस पॉइंट पे आ जाएंगे, बट होगा क्या कि प्राइजेस तो सेम ही रह गए, प्राइजेस तो सेम ही रह गए,
तो प्राइजेस अगर सेम रहेंगे तो जो प्रोड्यूसर थे उनका प्रॉफिट तो घट जाएगा ना, उनका प्रॉफिट घट जाएगा तो क्या होगा कि वो बोलेंगे कि भाई अब मुझे तो पहले जितना प्रॉफिट नहीं मिल रहा, तो मैं इतने इतने मजदूर क्यों इम्प्लाई करूँ, मैं तो मजदूर घटा दूंगा। तो होगा क्या कि ये पॉइंट ए वन से बी पे शिफ्ट कर जाएगा ये, वो क्या करेंगे ले कुछ मजदूरों को नौकरी से निकाल देंगे, तो फिर उसी अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे वो पहुंच जाएंगे, ठीक है, जहाँ से इन्होंने शुरुआत की थी। प्रोड्यूसर प्रोड्यूस लेस, लेस लेबर इम्प्लॉय, ठीक है, एंडेड अप विद दी सेम रेट से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बट एट द हायर इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि कैसे पहले यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचा, ठीक है। तो इसी तरह एक और ऐसी साइकिल हो जाती है, तो आप देख सकते हो कि इस तरह की साइकिल जब लॉन्ग टर्म में होगी तो लॉन्ग टर्म फिलिप्स कर्व कैसे हो जाएगा, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके सवाल यहीं से बनेंगे, पॉलिसी इम्प्लीकेशन से ही सवाल बनेंगे। इसका पॉलिसी इम्प्लीकेशन क्या है, लॉन्ग टर्म फिलिप्स कर्व का पॉलिसी इम्प्लीकेशन क्या है, लॉन्ग टर्म फिलिप्स कर्व पॉलिसी इम्प्लीकेशन यही है कि इन दी लॉन्ग रन एंटिसिपेट पीपल एंटिसिपेट इन्फ्लेशन, लॉन्ग रन में लोग जो है इन्फ्लेशन को एंटिसिपेट करेंगे, एंड फॉलोइंग इट दे चेंज देयर डिसीजन, और उसको फॉलो करते हुए वो अपना डिसीजन चेंज करेंगे। जैसे कि डिसीजन चेंज किया ना कि मेरा वेजेस बढ़ाओ, ठीक है, विच रिजल्ट इन नलिफाइंग द इंटेंडेड इफेक्ट फ्रॉम द फिजिकल और मॉनिटरी पॉलिसी। तो यहाँ इंटेंडेड इफेक्ट क्या था, जो गवर्नमेंट ने एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी की थी उसका इंटेंडेड इफेक्ट था कि अनएम्प्लॉयमेंट घट जाए भाई, बट हुआ नहीं ना, हुआ तो नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट तो से वापस उसी पे आ गई, ठीक है। तो नलीफाई कर दिया ना इसने इंटेंडेड इफेक्ट इफेक्ट फ्रॉम फिजिकल और मॉनिटरी पॉलिसी बाई गवर्नमेंट, ठीक है। इन अनदर वर्ड इंटेंडेड इफेक्ट ऑफ एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी ऑन इन्वेस्टमेंट रियल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मटेरियलाइज। तो होगा क्या कि इस वजह से जो इंटेंडेड इफेक्ट है मॉनिटरी पॉलिसी का, एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी का, उसका इन्वेस्टमेंट रियल आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पे मटेरियलाइज नहीं हो पाएगा, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, बस यही इम्प्लीकेशन है, ठीक है। कुछ आपको अगर डाउट आ रहा हो जितना भी मैं अभी तक मैंने बताया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके पूछे, ठीक है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो थम्स अप देना, अच्छा नहीं लगा हो तो अनलाइक करना। तो गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।